नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा एक बार फिर आपके सामने एक सेट पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो आपके आरआरबी जेई एग्ज़ाम के लिए और आने वाले एसएससी जेई और हमारे जितने भी डीएमआरसी एलएमआरसी के जो जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही प्रेफरेबल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लगाइएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज अ डोनर इम्प्योरिटी इन अ सिलिकन। ठीक है, तो इसमें से डोनर इम्प्योरिटी के रूप में किसको हम ऐड करेंगे सिलिकन के साथ, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटीज़ की, तो आपको पता है कि पी टाइप इम्प्योरिटीज़ और एन टाइप इम्प्योरिटी जो हम इसमें पढ़ते हैं, तो पी टाइप में कौन कौन से होंगे, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एन टाइप मटेरियल की, तो इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, आपको पता है एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आते हैं। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपसे पूछा था डोनर, तो आपको पता है ये पी जो है वो है एक्सेप्टर आयन, एन जो है उन्हें बोलते हैं हम डोनर आयन, तो पी एक्सेप्टर है, एन डोनर आयन है। तो डोनर इसमें पूछा था, डोनर सिलिकन, जो डोनर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सिलिकन में वो कौन सी होगी इसमें, तो वोरोन, गैलियम, इंडियम, तो आपको पता है इंडियम, ये सब किस में आ गया आपका पी टाइप में आ गया, यानी कि एक्सेप्टर आयन में आ गया। तो एक ही आंसर बचा, एक ही ऑप्शन होगा इसमें एंटीमनी, तो एंटीमनी इज करेक्ट, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, आर प्रोड्यूस देम, इंडियम इज एडेड एज अ इम्प्योरिटी टू जर्मेनियम, आर प्रोड्यूस व्हेन फास्फोरस एडेड टू द इम्प्योरिटी टू द सिलिकन। तो इसमें पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार का होगा, ये हमें बताना है। तो आप ध्यान से अगर इसे देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपको पता है डोनर आयन है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर ऑप्शन है आर प्रोड्यूस व्हेन इंडियम इज एडेड एन इम्प्योरिटी टू जर्मेनियम। तो इंडियम क्या है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इंडियम अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम में जोड़ेंगे तो ये एन टाइप बनेगा क्या, इंडियम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, नहीं ये गलत हो गया। आर प्रोड्यूस व्हेन फास्फोरस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकन, तो आपको अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फास्फोरस क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ क्या है, आपके डोनर आयन है, ये अगर आप ऐड करेंगे जर्मेनियम में सिलिकन में तो ये आपके एन टाइप कहलाएंगे, तो हो गया ये। अब कई लोग मन में सोच रहे होंगे आप नेगेटिवली चार्ज आए हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है एन टाइप और पी टाइप दोनों ही, अगर दोनों ही हम देखें इंडिविजुअली न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं न्यूट्रल होंगे, तो वो न्यूट्रल होते हैं इसीलिए नेगेटिवली चार्ज नहीं लेंगे हम, इसका ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर है ना, आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला आया था ओम्स लॉ फॉर द कंडक्शन इन अ मेटल इज, तो ओम्स लॉ क्या होता है कंडक्शन मेटल में, कंडक्शन के लिए होता है इसमें जी बराबर सिग्मा ई, ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, दोस्तों मोबिलिटी इक्वल्स टू होता है बी डी अपॉन ई, ओके, तो बी डी अपॉन ई आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसके केस में कितना आएगा आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता था। ठीक है, ये वोल्ट पर सेकेंड, तो उसके अनुसार आपका ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद करना है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसमें हमें ये बताना है। तो आप अगर ध्यान से इसमें देखें, डोनर लेवल आयोनाइजेशन डिक्रीज विद टेम्परेचर, डोनर लेवल आयोनाइजेशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो अगर हम लोग बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसमें पी और एन टाइप होते, तो इसमें अगर आप एनर जो सॉरी डोनर आयन मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो डोनर है, डोनर आप बनाएंगे तो डोनर बनाने से क्या होगा, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से, देखिए डायरेक्टली रिलेशन है इसका टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता उसका कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई भी रिलेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्सट्रिंसिक का डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है ना, तो डोनर आयोनाइजेशन डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर के कारण, और इसमें ये हो जाएगा। और अगर पहले में देखें इसमें लिखा है डोनर आयन सॉरी डोनर आयन इंक्रीज विद, पहला दिया इंक्रीज विद, डिक्रीज विद, सेकंड इज इंक्रीज विद, थर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, और डोनर लेवल आयोनाइजेशन इंक्रीज एज ई नॉट मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो दोस्तों ये फर्मी लेवल से भी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता हूँ कि फर्मी लेवल का कंसेप्ट भी इसमें है, कि अगर डोनर कंसेंट्रेशन मिलाएंगे तो ये ईसी की तरफ शिफ्ट होगा, अगर आप एक्सेप्टर मिलेंगे तो ईवी की तरफ शिफ्ट होगा, अगर कुछ नहीं मिलाएंगे तो इसमें फर्मी लेवल बीच में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोनर
लेवल आयोनाइजेशन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ होगा दूसरा, तो इसमें कोई सा है वन टू सेकंड ओनली, तो सेकंड ओनली दिया है तो उसमें सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये होगा दोनों आयोनाइजेशन डिक्रीज तो होगा नहीं टेम्परेचर के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर, तो वाइड बैंड एम्पलीफायर के रूप में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, वीडियो एम्पलीफायर। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन होल्स अकर्स, कंडक्शन चार्ज इतना, ओके ये सारी चीज़ें दे दी। व्हाट इज द टोटल डिफ्यूजन करंट, दोस्तों टोटल डिफ्यूजन करंट हमसे पूछा गया है, तो आपको अगर टोटल डिफ्यूजन बताना, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट, तो यहाँ पर डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं दोस्तों। डिफ्यूजन में अगर मैं बात करूँ एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए होता है क्यू डी एन डी एन अपॉन डी एक्स, और अगर पी के लिए बात करूँ तो माइनस माइनस इधर पर जाता है हमारा क्यू डी पी डी पी अपॉन डी एक्स, ये हो जाता है। ये डिफ्यूजन कोफिशियंट है, ये पी जो होल्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस, डिप्लीशन विद की जो रेंज होगी, और क्यों यहाँ पे चार्ज है, तो इनका एडिशन आप करेंगे तो आप देखें पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, अगर मैं तीसरा इसमें देखूं ध्यान से तो तीसरा भी नहीं है, और चौथा चौथा मिलेगा क्यू डी एन डी एन अपॉन डी एक्स माइनस क्यू पी क्यू डी पी डी पी अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो जो पी के लिए है वो माइनस आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, तो अभी मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा था मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू कस टू होता है दोस्तों बी डी अपॉन ई, तो बी डी क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्लियर है ना, ऑप्शन डी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन हो गया इसका डी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग इज यूज, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग इज यूज मोस्टली इन, तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग किस में होगी, तो ये 59 क्वेश्चन इसमें दिया गया, तो इसका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग होता है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं एफ एस के, एफ एस के में हम यूज़ करते हैं टेलीग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों डी एफ सी सी आई एल में एन पी सी आई एल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एटॉमिक नंबर ऑफ द सिलिकन आपको पता है लास्ट स्टेज में कितनी होनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली होना चाहिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 2, 8 और 4, तो ये हो गया 14, यानी कि आपको 14 हो जाएगा आंसर, क्लियर ना, तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द पी एन जंक्शन डायोड ये होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, ठीक है। द पी एन जंक्शन डायोड डायनेमिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पी एन जंक्शन डायोड में डायनेमिक कंडक्टेंस जो होता है यानी कि तुम्हारा जो चालकता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी हमें ये बताना है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जो कंडक्टेंस होता था आपको पता है कि B बराबर होता है नॉर्मल आई आर, ये बेसिक आप समझ सकते हो, तो I इक्व टू बी अपॉन आर, तो हम लोग अगर इसका अपोजिट करते तो I प्रोपोर्शनल टू G हो जाएगा, आपको पता है कंडक्टेंस, तो ठीक है ना, तो इसमें यही पूछा गया क्या होगा, तो इसमें बोल सकते हो डायनेमिक कंडक्टेंस, डायनेमिक कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा ही बोल सकते हो, तो ऑप्शन सी करंट, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसी में आ जाएगा बी अपॉन आर, इसीलिए होगा तो वोल्टेज भी, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है ऑप्शन सी, ये करंट, ओके। नेक्स्ट, एसी रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग एट अ बेस वोल्टेज बी एंड कैरिंग अ करंट आई, तो क्या रिलेशन होगा, आप जब भी एसी की बात करते हैं तो एसी में आता है डेविएशन, तो आई बराबर होता है दोस्तों डेल वी अपॉन डेल, इधर पे रेजिस्टेंस पूछा गया तो आर बराबर डेल वी अपॉन डेल आई, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन आइडियल जंक्शन ट्रांजिस्टर द इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन इन एमिटर एंड बेस एंड कलेक्टर, तो इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, फिर सबसे कम किस में होगी, या हम बोल सकते हैं हाईली डोप्ड कौन सा होगा, लाइटली डोप्ड कौन सा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, तो आपको पता है एमिटर हाईली डोप्ड होगा, फिर कलेक्टर होता है, फिर सबसे कम होता है बेस, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एमिटर जो है सबसे हाई, ये जो एमिटर है ये हाईली डोप्ड होगा, ये बेस लाइटली डोप्ड होता है, और इसमें सी जो होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है, तो ई ग्रेटर देन सी देन बी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। व्हेन द जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट अंडर सैचुरेटेड, तो दोस्तों सैचुरेशन में क्या होगा, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड वायस में होते हैं, याद रखिएगा, तो उसमें एमीटर बेस कहाँ दिया है इसमें दोनों, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, एमीटर बेस कलेक्टर बेस बोथ आर इन फॉरवर्ड वायस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया आउटपुट बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट, तो एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट में आउटपुट जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा, किस रीजन में मिलेगा, वो इसमें बात कर रहे हैं, तो ओमिक रीजन में मिलेगा, ओनली इन सैचुरेशन में मिलेगा, नहीं, ओमिक रीजन एट लो वोल्टेज वैल्यू फॉलोड बाय द सैचुरेशन एट अ हायर वोल्टेज, ओमिक रीजन एट अ लार्ज वोल्टेज वैल्यू प्रेसिडिंग बाय द सैचुरेशन एट अ लो वोल्टेज, तो आपको पता है कि अगर जब भी मॉस्फेट की बात करते तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलती है, ठीक है, ये जो होता है आपका सैचुरेशन रीजन है,
ये ओमिक रीजन है और ये कट ऑफ रीजन है। तो ओमिक रीजन एट लो वोल्टेज, तो अगर लो वोल्टेज की बात करूं मैं यहाँ पे, लो वोल्टेज तो ये ओमिक रीजन में होगा, ठीक है, और फॉलोड बाय द सैचुरेशन एट हायर, तो हायर पे जाएगा तो सैचुरेशन हो जाएगा, ये फाइनल हायर ऑप्शन सी इज एक्यूरेट। क्लियर। नेक्स्ट द ट्रांसकंडक्टेंस जीएम ऑफ अ जेफेट इज इक्वल टू, दोस्तों ये ट्रांसकंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, ट्रांसकंडक्टेंस इसमें पूछा गया, तो मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस या ट्रांसकंडक्टेंस पे रिलेशन पूछ सकते हैं पेपर में, तो इसमें होगा क्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे मैं इधर पे अगर देखूं ध्यान दूं तो यहाँ पे ये जो ट्रांसकंडक्टर जी एम पूछा गया, ये जी मैक्स होना चाहिए, ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस टू आई डी एस अपॉन बी पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू आई डी एस एस अपॉन बी पी, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 67 क्या होगा, 67 अगर मैं देखूँ, द एफ एम सिग्नल विद अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज पास थ्रू द फ्रिक्वेंसी ट्रिपलर, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल बी फ्रिक्वेंसी ट्रिपलर, दोस्तों तीन गुना कर दें, फ्रिक्वेंसी ट्रिपलर लगाओ, तीन गुना फ्रिक्वेंसी हो गई है, तीन गुना होगी तो एम एफ बराबर, दोस्तों आपको पता है, ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपॉन एम, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा एम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो तीन गुना अगर कर देंगे थ्री टाइम्स, ये आपका थ्री टाइम्स कर देंगे तो डेल्टा ओमेगा थ्री टाइम्स हो जाएगा, आंसर हो गया 3 mF। क्लियर है। नेक्स्ट, डबल इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा है परसी, ठीक है, अगर पैराबोलिक का आप करते हैं डिफरेंशिएशन तो रैंप, रैंप का डिफरेंशिएशन स्टेप, स्टेप का डिफरेंशिएशन इम्पल्स, तो मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, आप पुराने लेक्चर्स मेरे देखिए, उसमें आपको डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन जानने को मिलेगा, आप सीख जाएंगे कि कैसे हम इसको करते हैं, और इम्पल्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का इंटीग्रेशन तो रैंप, रैंप का इंटीग्रेशन तो पैराबोलिक, तो आपने इससे बोला है डबल इंटीग्रेशन, तो स्टेप का आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा पैराबोलिक, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द इतना द इम्पल्स रिस्पॉन्सेज, तो आपको पता है कि स्टेप का अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ तो रैंप मिलेगा, रैंप का इंटीग्रेशन पैराबोलिक, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर इम्पल्स मिल जाएगा। सो हेयर आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द डेरीवेटिव पार्ट ऑफ स्टेप सिग्नल, तो स्टेप सिग्नल आपको यहाँ पे दिया गया, कितना दिया, 1 - e की पावर at - at और ut, तो अगर आप बन के करेंगे तो 0 आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एटी, तो माइनस ए पहले आया, ई की पावर माइनस एटी हो गया, तो आंसर माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस एटी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ई की पावर माइनस एटी, यूटी तो आपका यूटी, क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन एफ टी यूटी इज शिफ्टेड टू द राइट शिफ्ट बाय टी नॉट द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो फंक्शन क्या होगा यह बताना है, राइट शिफ्ट में अगर करें, दोस्तों फंक्शन आपको दिया है एफ टी यूटी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो अगर ये राइट शिफ्ट कर रहा है, आपको पता है कोई फंक्शन अगर राइट में शिफ्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, टी टेंस टू टी नॉट टाइम, ये आगे बढ़ेगा, यानी कि इधर पे हम ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट इसकी जगह, तो ये फंक्शन हो जाएगा टी नॉट, या टी नॉट अगर ये राइट में शिफ्ट कर रहा है तो टी माइनस टी नॉट, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है तो टी प्लस टी नॉट, तो हो जाएगा टी माइनस टी नॉट यू टी माइनस टी नॉट, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज, तो पावर सिग्नल की एनर्जी कैसा होता है दोस्तों, सी इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें पावर सिग्नल की एनर्जी होती है इनफाइनाइट, पावर होती है आपकी कोई कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू, द इनवर्स फोरियर ऑफ, यहाँ पे इनवर्स फोरियर पूछा गया है, ठीक है, ये एटी नहीं है, गलत प्रिंट है, ये यूटी, यूटी का कितना होता है दोस्तों, यूटी का होता है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपको बताना है, तो सॉरी यूटी नहीं है, ये आपको डेल्टी दिया गया, डेल्टी, ठीक है, डेल्टी का कितना होगा, तो नॉर्मली डेल्टी का तो 2π के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो इनवर्स पूछा गया है, तो इनवर्स के फॉर्म में अगर मैं इसमें निकालूं, तो जैसे कि मैंने इसमें आपको पुराने वीडियोस वगैरह डाले जिसमें सिग्नल सिस्टम में मैंने इसके कंसेप्ट को भी आपको समझाया हुआ है कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को, तो अगर इसके बारे में मैं बात करूं, तो आपको पता है नॉर्मल डेल्टी का होता है जैसे हम लोग करते हैं 1/2π निकल के आएगा, तो यहां पे अगर मैं करूं तो इसका कितना निकल गया, जैसे अगर डेल्टी का आप करते हैं नॉर्मल डेल्टी का, तो नॉर्मल डेल्टी का या ऐसा बोल दो कि बन का मैं करूं, ठीक है ना, तो बन का मैं करूं, जैसे ध्यान से देखिएगा डेल्टी का होता है आपका 1, क्लियर, और 1 का मैं करता हूं तो आता 2π डेल ओमेगा, क्लियर है, तो इसमें नॉर्मल डेल्टी का पूछा है तो इसका 1 यानी कि ये हो गया, अगर यहां पे डेल ओमेगा लिखा होता और है ना डेल ओमेगा होता तो ये 1/2π कर देते, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। तो अगर एफ ए टी है तो एफ ओमेगा अपॉन ए होना चाहिए था, ये ए ओमेगा होगा या एफ ओमेगा अपॉन ए एफ टी बाई ए का होगा या क्या होगा, इसमें ये अपन को बताना है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें आप, तो एफ ए टी है तो ओमेगा अपॉन ए हो जाता है, एफ ए टी है तो ओमेगा अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका वन अपॉन ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज है ठीक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैंने सिग्नल सिस्टम के लेक्चर से इसमें डाले हुए हैं, आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी देखने को मिल रहा है। ये पेपर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी एफ जी ओमेगा देन द व्हाट इज एफ माइनस जी ओमेगा एफ माइनस टी, तो अगर इसका आप कहें तो इसमें क्या होगा, तो जैसे एफ टी का एफ जी ओमेगा तो एफ माइनस टी का एफ माइनस जी ओमेगा, क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय एच जेड, तो जेड की पावर माइनस एम है, तो इसका अगर आपसे बोले कि रिस्पॉन्स निकालो, इसको सॉल्यूशन अगर मैं करूँ कि इसका इन्वर्स करूँ ठीक है, तो इसके केस में कितना आएगा, क्या मिलेगा, तो डेल एन माइनस एम, तो डेल एन माइनस एम के लिए होता है जेड की पावर माइनस एम ठीक है ना, ये इसका होता है ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता तो मैं माइनस कॉमन लेता, माइनस कॉमन लेता तो वन अपॉन जेड की पावर माइनस एम, यानी कि जेड की पावर एम मिलता है इस वाले केस में, तो जेड की पावर माइनस एम जो है इसका होता है डेल एन माइनस एम, क्लियर। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट है ई की पावर जी ओमेगा नॉट एक्स एन, तो इसका क्या होता, तो अगर ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा तो ये अंदर आ जाएगा ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट कन्वोल्यूशन पूछा एक्स एन और एक्स टू एन का कितना होगा, तो एक्स वन जेड एक्स टू जेड के फॉर्म में होता है, तो इसका होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन पूछा है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सर्किट का। टोटल पूछा गया ये होता है एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर देखें अगर सेम करंट फ्लो होती है, जैसे हम बोलते हैं एंटर एंटर, नॉर्मली माइनस एम स्क्वायर, अगर एंटर एंटर सेम है तो माइनस टू एम आता, और एंटर एग्जिट है तो प्लस टू एम आता, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 78 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सॉरी नहीं ना ना इसमें डी डी ऑप्शन हो जाएगा है ना, देखा नहीं मैंने माइनस बताया ना ठीक है ओके। नेक्स्ट 79, तो आपको देखने आप देखेंगे कैपेसिटेंस निकालना है, तो वन वन पैरेलल में है तो ऐड हो जाते हैं, इसमें टू हो गया, ये भी टू हो गया, और टू और पैरेलल में वन करेंगे तो टू इंटू वन अपॉन टू प्लस वन, यानी कि आपका टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री ये आ गया और ये आपका आ गया टू, क्लियर। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया टू बाई थ्री और इतना, तो ये हो गया एट बाई थ्री, तो आ जाएगा आपका लगभग 2.66 ओके, ऑप्शन बी करेक्ट क्लियर। नेक्स्ट 80, द डेल्टा कनेक्शन कंटेन थ्री इक्वल इम्पीडेंस ऑफ 60 ओम, इम्पीडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन, तो आपको पता है डेल्टा का अगर 60 ओम में है तो इम्पीडेंस स्टार कनेक्टेड कितना होगा, अगर मैं बात करूँ स्टार के फॉर्म में है ना, तो स्टार बराबर होता है डेल बाई थ्री, स्टार बराबर डेल बाई थ्री हो जाएगा, तो स्टार इक्वल्स टू डेल्टा हो गया, इसमें आपका इस पर दिया है डेल्टा का प्रतीक से 60 का 60 बाई थ्री, यानी कि हो गया 20, यानी कि 20 ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द टाइम कॉन्स्टेंट आइसोलेटेड विथ वन कैपेसिटर चार्जिंग इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, तो टाइम कॉन्स्टेंट बताने दोस्तों, आपको पता है टी बराबर होता है आपका आर सी, तो आप टोटल आर निकालेंगे तो ये इसके इक्वल निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो आर आएगा जो इसमें देखेंगे, जब भी हम इसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट की तरह काम करता है, दो और तीन इसमें पैरेलल होंगे आपके टू और थ्री, तो आ जाएगा आपका 6/5 ओके, तो टी इक्वल्स टू आ गया 6/5, सी की वैल्यू आपको 5 दी गई यानी कि 6 माइक्रो सेकेंड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्लियर। अंडर रूट एल अपॉन सी इज द डायमेंशन ऑफ, ये क्या होता है तो ये हमें बताना है अंडर रूट, तो ये दोस्तों याद कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि आर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एल अपॉन सी, रिलेशन है हमारा ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द नेटवर्क एन इज अ डुअल नेटवर्क कैपिटल एन इफ, क्या होगा डुअल नेटवर्क की तरह काम करेगा तो क्या होना चाहिए ठीक है, तो मैच इक्वेशन ऑफ वन आर नोड इक्वल ऑफ द अदर ठीक है, तो एक की जो मैच इक्वेशन होगी वो दूसरे के नोड के बराबर होगी, अगर ये बराबर है तो ये कंडीशन होगी, क्लियर है ना दोस्तों ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अ बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। दोस्तों आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब ये हो गया कि आप करंट चाहे इतना बढ़ाना वोल्टेज आपका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर दोनों करंट आप चाहे इतना बढ़ाएंगे वोल्टेज फिक्स है यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है, इसी को आइडियल वोल्टेज सोर्स कह रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो बी इधर पे आई इधर पे, इसमें बी यहाँ पे दी आई यहाँ पे सेम है, तो आई बढ़ाने पर वोल्टेज भी कांस्टेंट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। 85 देखें, 85 में क्या बोल रहा है, 85 अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी इक्वल टू इतना, द इफेक्टेड कैपेसिटेंस इतना, तो कितना होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका एक ब्रिज बन गया है, ब्रिज टाइप कॉम्बिनेशन बन गया है ये और ये, ये अगर ए टर्मिनल है तो इसी प्रकार से ये और ये, ठीक है ना। तो ना इसमें ब्रिज नहीं बनेगा, अगर यहाँ कैपेसिटेंस होता तो आपका ब्रिज बनता, बट ऐसा तो केस नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी इजी हो गया अब तो क्वेश्चन, अगर आप देखें तो सी सी पैरेलल में हो गया, 3 3 हो गया आपका 6 6, और 3 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अगर आप देखें सी सी ये आपका 2C हो गया, और 2C और C को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आपको 3 3 दिया तो 6 हो गया, 6 और 3 को आप सॉल्व करेंगे 3 × 6 / 3 + 6 तो 18y9, यानी कि आगे आप 2 और 2 + 3 ऐड हो जाएगा तो आपका 5 आ गया, ठीक है। दोस्तों इसके आगे मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, है ना, उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से देखिए, इसके बाद सेकंड वीडियो देखिए जिसमें मैं आगे का इसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, आप उस पर बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं जितना भी आपको मटेरियल देता हूँ आप उसको एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। और जो नेक्स्ट सीरीज हमारी आने वाली है, अब मैं जीके पब्लिकेशन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। तो ठीक है, इसके बाद मैं पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूं, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अब प्रिपरेशन का मेथड क्या है और हम लोग कैसे प्रिपरेशन यहाँ करने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, और भी जितने लोगों को जोड़ पाएँ बिल्कुल जोड़िएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का देखिएगा, उसमें मैं आगे का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ।